दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों त्रिफला चूर्ण को आयुर्वेद में दूसरी माता की संज्ञा दी गई है। आखिर वो इसमें ऐसे कौन से गुण है, क्या कारण है कि हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने त्रिफला चूर्ण को दूसरी माता की संज्ञा दी है। आप लोग जानते हो त्रिफला चूर्ण हरे भरा बहरा और आंवला के चूर्ण से बनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोग बताऊंगा कि यह स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। यह एक जीवनदायिनी है, आयु में वृद्धि करता है, कई सारे रोगों को दूर करता है। सारी बातें मैं समझाऊंगा, आप लोग मेरे वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तभी सारी बातें जान पाएंगे। और दोस्तों नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं है। गुरु से ज्ञान लेकर के दक्षिणा ना दे तो शोभा नहीं देता। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्लीज़ जरूर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही यूजफुल कंटेंट क्वालिटी में आप लोगों के लिए मैं लाते रहता हूँ, जो काफ़ी उपयोगी होते हैं। दोस्तों त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करने के दो तरीके होते हैं। पहले तरीके होते हैं ठंडा पानी से इसको लिया जा सकता है, ताज़ा पानी से। एक दूसरा तरीका होता है गुनगुने पानी से भी लिया जा सकता है, लेकिन दोनों के तासीर अलग अलग हो जाते हैं, दोनों के गुण धर्म बदल जाते हैं। गर्म पानी से लोगे तो इसे गुण धर्म अलग हो जाते हैं, अलग तरीके से काम करता है। अरे ताज़ा ठंडा पानी से लोगे तो इसका गुण धर्म बदल जाता है या कुछ और तरीके से काम करता है। जिन लोगों के पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती हो, पेट अब भरा भरा सा रहता हो, भूख नहीं लगता हो, उबकाई आती हो, चक्कर सा आता हो, पेट निकल रहा हो, लीवर में स्वेलिंग हो, लीवर में सूजन, जिनका एसिडिटी एसिडिटी बढ़ा हुआ हो, आईबीएस के मरीज हों, पेट में हल्का हल्का दर्द रहता हो, वह त्रिफला चूर्ण को ताजे पानी से लिया करें तो ज़्यादा फायदा करता है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता हो, कब्ज की बीमारी रहती हो, उन्हें गुनगुने पानी से लेना चाहिए। पेट साफ फूल के आता है, शौच साफ हो जाता है, फलता पेट की सारी बीमारियां स्वतः दूर हो जाती है। यह डिटॉक्स का काम भी करता है। त्रिफला चूर्ण को सेवन नित्य सेवन करने से यह डिटॉक्स यानी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। खून में जो भी टॉक्सिन जमा है उनको निकाल के पेशाब रास्ते बाहर कर देता है, पेट की सारी गंदगी साफ हो जाती है, खून साफ हो जाता है, पता चेहरे पर तेज और रोज बढ़ जाता है, शरीर में खाया पिया लगने लगता है। जब भी आप खाते हो शरीर में बल वीर बुद्धि मज्जा हड्डी सब बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों थोड़ा स्वाद में कसैला होता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया फलदायी चीज़ है, बहुत अच्छा फायदा करता है। और इसका सबसे बड़ी फायदा है कि इसको बच्चे भी कम डोज में ले सकते हैं, जवान भी ले सकते हैं, बूढ़े भी ले सकते हैं, औरतें भी ले सकती हैं, गर्भवती औरतें भी ले सकती हैं। कोई किसी को नुकसान नहीं करता, यह बिल्कुल निरापद दवा है और कोई भी ले सकता है, समझ गए। तो त्रिफला चूर्ण के बहुत सारे फायदे हैं। जिनको हड्डियों में दर्द रहता हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, जोड़ों में स्वेलिंग आ गया हो, भी त्रिफला चूर्ण का सेवन करेंगे कि वात रोग का या नाशक है। जिनको वात रोग यानी जिनको शरीर में जहाँ तहाँ दर्द रहना, गैस घूमता रहता है, यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, इधर दर्द सिर में दर्द, कहीं भी दर्द, चक्कर मितली वगैरह बना रहता है, तो त्रिफला चूर्ण का सेवन करेंगे तो ये सारी बीमारियाँ स्वतः दूर हो जाती है। बोलते हेल्थ में इजाफा होता है, शरीर दुबला पतला, शरीर जर्जर, शरीर हेल्दी बन जाता है, वजन बढ़ाता है। तो त्रिफला चूर्ण में कई सारे फायदे हैं, जो सारे फायदे आप लोगों करीब करीब मैंने बता दिए, तो आप लोग कोई शिकायत है। दूसरी नंबर दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि इसको स्वस्थ आदमी ले सकता है, जिससे कोई बीमारी नहीं भी है तो भी वो इसको ले सकता है। यदि लेता है तो उसकी आयु में वृद्धि होती है, यह आयु और ओज को वृद्धि करता है, एज भी बढ़ जाती है, आप समझ गए। तो सारी बातें समझ गए। यदि आप लोग मेरा सलाह अच्छा लगे जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।